बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्राचीन श्रीराम सेवा दल द्वारा फरीदाबाद में राम नवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ फिल्म अभिनेता बजरंगी भाईजान फेम मनोज बख्शी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर फेज ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गौरव प्राशर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच का संचालन वरिष्ठ पत्रकार गुलाब सिंह द्वारा किया गया। बहुत ही मनमोहक नजारा यहां देखने को मिला। जगह जगह शोभा यात्रा व मनोज बख्शी का अभिनंदन भी किया गया तथा प्रसाद वितरित भी किया गया। इन झांकियों के बीच हनुमान जी का स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहा, जो कि ऊंचे मुकुट के साथ झांकियों के साथ चल रहे थे। आज की शोभा यात्रा के बारे में बताइए कुछ। मुझे यहाँ पे श्री राम सेवा दल वालों ने बुलवाया है और श्री अंसारी साहब और नेहा शर्मा जी ने इनवाइट किया था। यहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई मिलकर, गौरव जी, वधवानी जी और गुलाब सिंह जी ने जो भरपूर सम्मान दिया, उसके लिए मैं आजीवन इनका शुक्रगुजार रहूँगा और बहुत इंजॉय किया। यहाँ कोई बहुत बड़ा पार्क नहीं है जिसके अंदर ये हो रहा आयोजित था, ये एक मार्केट के अंदर था, लेकिन सभी मार्केट के दुकानदार एकदम प्यार से मिले और सब ने कुछ ना कुछ भेंट दी और आशीर्वाद प्रदान किया। इस तरह से अगर सहयोग से सब लोग रहते, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान सब इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। यहाँ कोई किसी तरीके का मनमुटाव किसी के अंदर नहीं है, पूरा देश ऐसा ही होना चाहिए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। हमारी झांकियाँ 7 सालों से निकलती आ रही हैं, हर साल हम किसी ना किसी सेलिब्रिटी को झांकियों के शुभारंभ के लिए बुलाते हैं। इस साल हमने प्रसिद्ध सिनेमा कलाकार श्री मनोज बख्शी जी को आमंत्रित किया और वो हमारे आमंत्रण स्वीकार किया उन्होंने। आज वो हमारे बीच हैं, हमारी झांकियों का शुभारंभ उन्होंने किया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि झांकियां पिछले वर्ष से भी ज़्यादा आपको आनंद देंगी। इस साल हमारी 7वीं शोभा यात्रा थी और इस शोभा यात्रा में बहुत दूर दूर से आगरा से झांकियाँ मंगाई गई हैं। पूरे शहर के अच्छे अच्छे बैंड इसमें शामिल हुए हैं और हमारा एक ही मकसद है कि हमारे देश में भाईचारा बढ़े, ये जो धार्मिक जो मतभेद लोगों में ये दूर हों और सौहार्द बढ़े।